दिल्ली में सियासी पारा चढ़ चुका है। जहां आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में है, वहीं कांग्रेस में टिकट को लेकर कलह मची हुई है। दिल्ली कांग्रेस का आलम ये है कि एक अनार 100 बीमार जैसे हालात हैं। कभी संदीप दीक्षित तो कभी और कोई नाराज हो जाते हैं, कोई कन्हैया कुमार, कोई बाहरी बताता है तो कोई उदित राज से खुश नहीं है। इन सब के बीच सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दिल्ली कांग्रेस के कद्दावर नेता अरविंद सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि लवली भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राजनीति गर्मा गई थी। अरविंद लवली ने कई मुद्दों पर नाराजगी जताई थी। लवली के इस्तीफे के बाद से देवेंद्र यादव को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे के बाद आज मंगलवार को दिल्ली कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर दिया गया। फिलहाल देवेंद्र यादव को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देवेंद्र यादव को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें दिल्ली कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। देवेंद्र यादव पंजाब में भी कांग्रेस के प्रभारी हैं।